व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ फिश? नॉर्मल वाला? प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूँ, प्रैक्टिकली नहीं करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी और मैं हूँ आपका राहुल। ऐसे करो ऐसे। तो आज मतलब आप लोगों की डिमांड थी कि हम लोग ना कुछ आप लोगों से फेस टू फेस बात करें और एक दूसरे से बात करें, क्योंकि प्रैंक्स और वीडियोज और व्लॉग्स हम हमेशा करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कुछ मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन इससे पूछने वाली हूँ मैं, ठीक है? अरे जवाब देगा ना चाहते हुए भी क्योंकि अभी वीडियो चल रही है। जवाब दे दो। तो मैं कुछ ऑपोजिट क्वेश्चन, झूठ नहीं सच ही बोल रही है, कितने कीड़े आ रहे हैं, कुछ ऑकवर्ड से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं इससे, ठीक है? जिसके ऑकवर्ड से आंसर होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऑकवर्ड सा क्वेश्चन है। तो और मैंने वो नोट डाउन किया है अपने फ़ोन में कि मैं क्या पूछने वाली हूँ जिससे मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है? तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पहले तुम यही बताओ कि तुम मुझसे पहली बार कब मिले थे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं या वीडियो? मतलब हाँ, पहली बार कब मिले थे, कैसे भी वीडियो में या कैसे फेस टू फेस कैसे कब मिले? हाँ हाँ, जो हमने दी थी, मैंने की वीडियो शूट करी थी और मैंने ग्राम से मैंने पिक किया था मेरे के पास। डेट क्या थी? डेट याद नहीं होगी। डेट थी वो 24 अप्रैल, उसी के कुछ आसपास थी। इतना एग्जैक्ट नहीं, नहीं, 16 अप्रैल 2019। चलो जो भी था, क्योंकि उस टाइम हम सिर्फ नॉर्मल दोस्त थे और ऐसा कुछ था नहीं, तो ठीक है याद नहीं बनता। तो बहुत खुश था गाइस में, मतलब हम डेट नहीं कर रहे थे, यकीन नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी तबाह हो जाएगी एक टाइम पर आके, फिर आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं साथ में, इसकी जिंदगी बनाई है मैंने। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ चुप रहो। चलो हम ये स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन की थोड़ा सा उस पर जाते हैं पॉलिटिक्स पे, कि हाउ इम्पोर्टेंट इज रिलीजन, रिलीजन टू यू, मतलब कितनी जरूरी है तुम्हारे लिए रिलीजन? रिलीजन मतलब मानते हो तुम ऐसा कास्ट और ये सब चीज़ें? नहीं, मेरे लिए कोई मायने नहीं करता, मेरे लिए सिर्फ इंसान का नेचर और इंसान मायने करता है, मेरे लिए कास्ट और रिलीजन से कुछ मायने नहीं करता, ठीक है? सेम बस इंसान, बाकी अभी तो हम बहुत इतने बड़े हो गए हैं, खैर कि हम पहचान लेते हैं सामने वाला हमसे क्या चाहता है, हमसे काम निकालना चाहता है, हमसे मतलब निकाल रहा है, या हमारे साथ आना चाहता है, या हमारे साथ दोस्ती अच्छी है जो भी है, तो हम उसी उसके उसके अकॉर्डिंग उससे बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उससे हम ट्रीट करते हैं उसके बाद। रिलीजन मुझे नहीं लगता मैटर करता है, और वैसे भी ये सारी चीज़ें हम ही लोगों ने बनाई है, इंसानों ने बनाई है। उसके बाद है, अभी तो इससे सिंपल सिंपल पूछ रही हूँ, आर यू हैप्पी इन योर करियर? मतलब ये फार्मा से है, इसमें फार्मेसी की भी है, और अभी बात नहीं करेंगे करो यार, दुख होता है यार, ये फार्मेसी से है हाँ, और अभी ये वीडियोस कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं भी आप लोगों को ये बात नहीं बताऊंगी, आज ही पता लगेगी कि इसका जो बैकग्राउंड है और इसने जो स्टडी की है वो फार्मेसी से की है, बी फार्मा किया हुआ है इसने। तो बस ये पूछेगा हाँ, तो अभी तुम अपने करियर जो अभी तुम कर रहे हो इससे खुश हो? हाँ, वो तो मैं हमेशा से खुश हूँ, पहले मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता तब भी मैं खुश था, उस टाइम में मेरी फर्स्ट ईयर में बैक लगी, बट मैं तब भी खुश था क्योंकि मैं अपना जो मैं चाहता था वो मैं कर रहा था, उसके बाद क्रिकेट मैंने छोड़ा किसी वजह से, और उसके बाद अब मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और काफ़ी क्योंकि डिग्री तो मेरे पास हमेशा रहेगी, मैंने पढ़ाई किया तो मेरे पास हमेशा रहेगी, मेरे साथ रहेगी ज़िंदगी भर, ज़मीन जिसकी ज़रूरत होगी मेरे साथ होगी, बट अभी मैं जो चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत काफ़ी अच्छा, और वी आर प्राउड ऑफ यू, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और मुझे बहुत सारा प्यार दो। व्हाट मेक यू फील कंफर्टेबल इन द बेड?
बेडरूम मतलब तुम्हें क्या चीज है जो तुम्हारे बेडरूम में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कराती है सोने टाइम, क्योंकि पूरे दिन शूट कर रहा है उसके बाद थक के अपने रूम में जाता होगा, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी चीज होती होगी जिसको बहुत कंफर्टेबल। मैं तुम्हें बता सकता हूं, मैं कहीं भी जाऊं, मैं कितने दिन में शूट करूं, मैं 10 दिन में शूट कर रहा हूं कहीं पे बाहर जाके, तो मैं कितने भी अच्छे कितना भी अच्छे होटल ले लें, कितने अच्छे बेड ले लें, पर जो अपना बेड है ना अपने बेडरूम में जो मजा आया वो कहीं भी नहीं है, वो जन्नत है जिंदगी में ना। एक टाइम आता है ना शाम का 8 बजे का, जो बेड अपना मिल जाए बस उसी का वेट करता हूँ मैं, थक जाता हूँ तो मैं हमेशा, मैं जब भी थकता हूँ, मैं कितना भी बाहर हूँ, मैं जयपुर हूँ, मुंबई हूँ, कहीं भी हूँ, मैं सबसे पहले ही सोचता हूँ मैं थक गया काश नहीं तो मेरा बेड मिल गया। बेड के अलावा कोई ऐसी चीज होती है जो तुम्हें मतलब लगती है कि हाथ को पकड़ के सोना है, लाइक या फिर तो कोई तुम्हारा कुशन हो गया या कोई तुम्हारा? नहीं ऐसी तो मेरी आदत नहीं है, लेकिन हाँ मेरा फोन जो है वो हमेशा मेरे पास रहता है, मेरा फोन मेरे साइड में रखा रहता है, कंफर्टेबल फील कराता है जो कोई और इसकी चैट्स ना पढ़ ले तो इसका फोन इसके साथ हमेशा रहता है। ये चीज तो मैंने भी नोटिस करी है कि अगर वॉशरूम में भी जा रहा होगा ना बंदा तो ये अपना फोन लेके जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं ना पढ़ लूँ इसके फोन में चेक कर लूँ, ऐसा कुछ है? चुप रहो। मेरा ऐसा है कि मेरे को जो कंफर्टेबल फील कराता है मेरे बेड का जो सबसे कॉर्नर वाला साइड है वो मेरा फेवरेट है। मैं कभी भी थक के और वैसे भी एंट्री लेती हूँ तो मैं उस कॉर्नर वाली साइड में चिपक के सोती हूँ और मैं वहीं पर ही पड़ी रहती हूँ। ठीक है चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर यू वेयरिंग राइट नाउ? तुमने अपने पैंट के अंदर कौन से कलर की चड्डी पहनी है? दिखाओ कैमरे में। नहीं भाई अभी तो शर्म आती यार इसमें शर्माने वाली बात क्या भाई, जो पहना है वो पहना, अगर नहीं पहना तो देखता। कुछ लोग नहीं पहनते हो क्या पैंट के अंदर लड़के? अब मैं पूछने वाली हूँ तुमसे खुद को लेके कि मैं सबसे ज्यादा तुम्हें सेक्सी कौन सी ड्रेस में लगती हूँ या लगूंगी, तुम जो चाहते होगे, क्योंकि हर लड़के का वो होता है माइंड में सेट होता है। गर्लफ्रेंड तो ऑब्वियसली सेक्सी होगी और मुझे हर ड्रेस में सेक्सी लगती होगी, का मतलब क्या है? मैं हूँ, एग्जिस्ट करती हूँ मैं। जब भी तो मेरी गर्लफ्रेंड होना यार, तो मैं तुम्हें कौन सी ड्रेस में सेक्सी लगती हूँ या तुम मुझे कौन सी ड्रेस में देखना चाहते हो? मैं तुम्हें जब तुम मुझे बहुत सेक्सी लगती हो, जब तुम पूरी जींस पहनती हो और उसमें ना हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा वो फूला फूला टॉप होता है, लूज है। हाँ अच्छा मतलब मेरा कुछ ऐसा था कि मैं वन पीस में या फिर ऐसा शॉर्ट्स में, खैर ये तो मुझे पता था कि इसको ना मैं फुली कपड़ों में अच्छी लगती हूँ। वॉट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ केस? कौन वैसे वाला पूछा है, कैसे वाला पूछा है कि खुद में कौन सी वाली अच्छा लगता है? नहीं मतलब वैसे बोल के बताओ, नॉर्मल वाला प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूँ, प्रैक्टिकली नहीं करना है, क्यों नहीं करना है बताओ भाई, तो मैं कौन सा पसंद है, स्मूथ पसंद है, नॉर्मल किस पसंद है? बहुत सारी होती है, फ्रेंच किस होती है और लिप लॉक होता है और स्मूथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा वेडिंग को लेके कोई सपना है कि तुम्हारी शादी हो और कुछ इस तरीके से हो? ऑब्वियसली शादी होगी कभी ना कभी, तो शादी किस तरीके से होगी या कुछ ऐसा कुछ लेके वेडिंग अपने रीति रिवाजों से होगी या बढ़िया होगी, मस्त होगी? अरे यार मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जब मतलब मैं दुल्हन बनूंगी तो बैकग्राउंड में वाला गाना चलेगा, कौन सा? बिल्कुल नहीं नहीं ये मटियारा पटोला बन गया, हाँ बंठन के मटियारा आइया पटोला बन के। मैं तो पहले ही सोचा कि मैं जब दुल्हन बन के एंट्री करूंगी तो मेरे लिए ये गाना चलेगा और ये उस टाइम बहुत खुश हो रहा होगा और रो रहा होगा, जैसे कि हर लड़का, जैसे मैंने देखा अभी प्रियंका चोपड़ा जो है बहुत बड़ी एक्ट्रेस, उनके उसका जो फियांसे है वो भी रो, तो ठीक है तो ऐसे इस तरीके का है मेरा। तुम्हारा क्या है?
मेरा तो नॉर्मल है, बस मैं चाहता हूँ कि जब मैं चल रहा हूँ तो मेरे भाई मेरे साथ हो और अपना तोरा होगा, जो नॉर्मली चल रहा हूँ मैं बस सब देख रहा हूँ मुझे यार इतना हैंडसम सा लड़का यार तैयार होकर आ रहा शादी को। चलो गाइस ये तो पूछते रहेगी, बाकी इस वीडियो को अगर तुम भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक कमेंट शेयर, और अगर तुम चाहते हो मैं इससे भी ऐसे क्वेश्चन पूछूं तो मुझे कमेंट में बताओ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बता देना, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू। कितने मिनट की खींच गई? 10 मिनट। ओ तो मुझे भी तो इंट्रो देने देते भाई।